रायबरेली एक्सप्रेस खबरें सबसे सही। लगातार आए दिन महिला सशक्तिकरण के दावों की पोल खुलते हुए हाथरस में जहां बीते दिन गैंगरेप के मामले सामने आए और रेप हत्याकांड का मामला सामने आया, उसी को ही आग अब रायबरेली पहुंच चुकी है। हाथरस में हुए गैंगरेप को लेकर रायबरेली में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। योगी सरकार के खिलाफ कैंडल जलाकर मार्च व विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। उसी के तहत जन अधिकार पार्टी व सम्राट सेना ने अपने दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ शहीद चौक पर प्रदर्शन किया। प्रदेश की योगी सरकार के विरोध में कैंडल जलाकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने गैंगरेप के आरोपियों को फांसी देने की मांग की। प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी के साथ मुख्यमंत्री के इस्तीफे तक की मांग हो गई। आइए जानते हैं क्या कहा पदाधिकारियों ने। परिचय बता दें। आशु मौर्य, सम्राट सेना अध्यक्ष। भैया आज क्या कार्यक्रम था आपका? कार्यक्रम आज ये था कि जो हमारे देश की बेटी का निर्मम हत्या बलात्कार हुआ, उसके साथ इतनी दर्दनाक मौत दी गई, इसके लिए आज हम लोग उसको श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल मार्च का आयोजन किया और पूरे सम्राट सेना के साथियों के साथ यहाँ शहीद स्मारक में श्रद्धांजलि दी। और योगी सरकार, मैं अपने मुख्यमंत्री योगी सरकार को ये संदेश देना चाहता हूँ कि बहन बेटियाँ सुरक्षित नहीं है, यही है गुंडा राज, यही है भ्रष्टाचार, यही है सरकार आपकी। मैं अगर जिससे अगर लड़की को फांसी न हो, हत्यारों को फांसी ना हुई, तो इससे बड़ा आंदोलन सम्राट सेना करेगी। जिले में नहीं, ये प्रदेश लेवल पे भी सम्राट सेना इन हत्यारों को फांसी दिलाने के लिए बड़ा आंदोलन करेगी और इंसाफ दिलाएगी। मैं मुकेश मौर्य, सम्राट सेना का सुरक्षा प्रमुख। भैया आज आप लोगों ने कार्यक्रम किया है, क्या है आप लोगों का कार्यक्रम और सरकार से क्या मांग है आप लोगों की? सबसे पहले तो मैं आप सभी से ये बता दूं कि मैं ये कार्यक्रम करना नहीं चाहता था लगभग, लेकिन लगातार जो देख रहा हूँ कि देश में कई सारी घटनाएं हो रही हैं और सभी घटनाओं में मैं देखता हूँ अगर एक विशेष वर्ग का कोई कांड होता है या कोई घटना होती है तो उस पर कई सारे आवाज़ें उठ जाती हैं, लेकिन अगर जब एक दलित की बात आती है या किसी पिछड़े वर्ग या SC ST की बात आती है तो वहाँ पर वो आवाज़ें दबने लगती हैं। मैं आप सभी से ये कहूँगा कि जो न्यूज़ चैनल वाले, जो TV एंकर फाड़ फाड़ के गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे थे, अभी आपने एक केस देखा होगा, एक लड़के का केस था तो उसमें उन्होंने गले फाड़ फाड़ कर चिल्लाया, लेकिन जब एक बेटी का केस आता है ना तो उसमें सबकी बोलती बंद हो जाती है। नहीं, सबकी बात आप नहीं कर सकते, कुछ चैनलों की आप बात कर सकते हैं। मैं वही कह रहा हूँ, कुछ चैनलों की बात करता हूँ, मैं सबकी बात नहीं करता हूँ। मैंने कहा कुछ चैनल ऐसे हैं जो बड़े चैनल की बात करता हूँ, छोटे चैनलों की बात भी नहीं करता, बड़े चैनलों की बात करता हूँ। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी का। आप सरकार से क्या मांग करते हैं? मैं सरकार से ये मांग करना चाहता हूँ, और सरकार क्योंकि जो लगातार देख रहे हैं, आज आपने कल देखा होगा कि जो निर्भया कांड का जो वकील थी सीमा कुशवाहा, वो सिर्फ जो पीड़ित परिवार था उनसे मिलने की चाह रखी थी, पूरा पुलिस प्रशासन उनसे अभद्र भाषा में बात किया और उन्हें वहाँ तक जाने तक नहीं दिया गया। जो टीवी एंकर, जो रिपोर्टर वहाँ तक जाना चाहते हैं उनको वहाँ तक पहुँचने नहीं दिया गया। तो मैं सरकार से सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जो भी जाँच हो निष्पक्ष जाँच हो। एक तरफ आप मीडिया पर सवाल खड़े कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि मीडिया को जाने नहीं दिया जा रहा, कि क्यों? अगर मैं कह रहा हूँ ना, अभी आप अगर कोई दूसरा मुद्दा उठा लीजिए वहाँ पर आप देखेंगे कि सब कुछ खुल्लम खुल्ला है, लेकिन ये एक ऐसा मैटर है जहाँ तो ना तो मीडिया को जाने दिया जा रहा है, ना किसी वकील या ना किसी भी संगठन को या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी को इस आखिर इस मैटर में है क्या, क्या छुपाया जा रहा है इस मैटर में? कुछ तो है, तभी तो इतना बड़ा मतलब जो ड्रामा चल रहा है ये हो रहा है। आपको क्या लगता है पूरा कांड जो है ड्रामा है? बिल्कुल ड्रामा के तरीके से कर ही दिया गया है। अभी आपने देखा होगा कि जैसे एक लड़की की हत्या हुई, उसको अस्पताल से ले आया गया, परिवारों जनों से मिलने नहीं दिया गया, ठीक है। अगर आज हिंदू रीति रिवाज का एक सिस्टम होता है कि उसे सूर्यास्त के बाद हम आत्मदाह नहीं करते हैं, अंतिम संस्कार नहीं करते हैं, सूर्यास्त के बाद जबरदस्ती परिवार को घर के अंदर कैद कर दिया गया, उसके बाद उसका अंतिम संस्कार कराया गया, आखिर ये क्या है? घोर अंधेर ही तो है।